बच्चों, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह यातायात के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सड़क यातायात हो या रेल यातायात, वायु यातायात हो या जल यातायात, सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। अगर हम रेल यातायात की बात करें तो हम देखते हैं, प्रारंभ में हम कोयले से चलने वाली रेलों का प्रयोग करते थे, जिनसे काला धुआं बहुत अधिक निकलता था और उनकी रफ्तार भी कम थी। लेकिन विकास के साथ साथ हम डीजल इंजन का प्रयोग करने लगे और रेल यातायात के क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास के कारण आज हम विद्युत से चलने वाली सर्व सुविधा युक्त ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। रेल यातायात में हुए विकास से आज हम वंदे भारत जैसे सुपर फास्ट ट्रेनों का उपयोग कर पा रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी 45 वंदे भारत सुपर फास्ट ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य हमारी सरकार का है। साथ ही साथ हम महानगरों में मेट्रो ट्रेनों का उपयोग भी कर पा रहे हैं। रेल यातायात के क्षेत्र में हो रहे ये सब विकास यातायात की प्रगति का सूचक है। बच्चों, हम विकास की बात करें और सड़क यातायात की बात ना करें, ऐसा तो संभव नहीं है। सड़कें किसी भी देश के विकास का आधार होती हैं, क्योंकि सड़कें ही एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार सड़क यातायात के विकास में लगातार प्रयत्नशील रहती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब हमारे देश के छोटे से छोटे गांव में भी पक्की सड़कें बन गई हैं और इसी कारण ये सारे गांव शहरों से जुड़ते जा रहे हैं। सड़क यातायात में लगातार हो रहे विकास के कारण हमारे देश में अब फ्लाईओवर का एक जाल सा बिछ गया है। सड़क यातायात के क्षेत्र में विकास के साथ साथ ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 6 लेन सड़कों का निर्माण लगातार जारी है। बच्चों, क्या आप स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में जानते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कों का एक ऐसा चतुर्भुज है जो 4 महानगर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। तो बच्चों, यातायात के क्षेत्र में हो रहे ये सारे विकास यातायात के महत्वपूर्ण विकास का सूचक है।